हेलो स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह अक्टूबर असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 10वीं विषय हिंदी को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही 10th एवं 12th के अपने दोस्तों भाइयों को जरूर यह वीडियो सेंड करें, क्योंकि उनका भी वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाता है, असाइनमेंट सॉल्व कराया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 क्या है। प्रश्न एक है आपका, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के कोई 3 कारण लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर लिखते हैं, कोई 3 कारण। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर, 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक संचेतना के संवाहक वीर नारायण सिंह थे। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी भी था, जिसने प्रमाणित कर दिया कि स्वाधीनता की अग्नि इस क्षेत्र के आदिवासी में भी बराबर धड़क रही है। तो इस प्रकार आप इसको वीडियो को पोस्ट कीजिए और इस प्रकार से लिखिए, इसमें आपके 3 कारण कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है। प्रश्न नंबर 2 क्या है देखते हैं। गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानता है बताई गई है। 3 समानताएँ लिखिए जो आपका कविता है चैप्टर में गृह प्रवेश, उसमें क्या समानता बताई गई है अतिथियों और चिड़ियों में, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा, 3 समानता लिखनी है। तो पहला हो जाए, दोनों के आने पर व्यक्ति का अकेलापन दूर होता है। दूसरा, चिड़िया और अतिथि दोनों ही समारोह के अंत होते ही चले जाते हैं। और तीसरा है, चिड़िया और अतिथि दोनों ही औपचारिकता निभाते हैं। तो इस प्रकार से आपके 3 आंसर हो जाएंगे, 3 समानताएँ हो जाएंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 है आपका, नाचा विधा को संक्षेप में समझाइए। नाचा विधा जो होता है वह क्या होता है, उसको आपको शॉर्ट रूप में संक्षेप में समझाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका उत्तर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से आप वीडियो पॉज कीजिए और मस्त स्क्रीन शॉट लेकर के लिखिए। नाचा अत्यंत ही सशक्त और लोकप्रिय विधा है। इसमें पुरुष ही महिला के वेश में परी बनकर गाते हैं और नाचते हैं। साथ ही इस वीडियो का आपको PDF भी मिल जाएगा, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरा आंसर कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से आप इतना लिख लेंगे, ये प्रश्न 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 4 आता है। प्रश्न नंबर 4 क्या है देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, सुआ गीत और पंथी नृत्य की विशेषताएं लिखिए और उनके 2 गायकों के नाम लिखना है। पहला है सुआ गीत और दूसरा है पंथी नृत्य। इन दोनों की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या करेक्टर होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, वह आपको लिखना है। साथ में इनके दोनों के 2 गायकों के नाम लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर नोट करते हैं पहले, तो ठीक है। तो पहले इसका आंसर नोट करते हैं, सुआ गीत नृत्य के समय टोकनी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का अर्थ आत्मा का प्रतीक है। सुआ अर्थात तोते की प्रतिमा रख स्त्रियां उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती गाती हैं, जिस तरह कबीर के हंसना को आत्मा का प्रतीक माना गया है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों में सुआ को आत्मा का प्रतीक माना गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरा, इसमें हम लोग देखते हैं गायिका का नाम। तो श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंती का नाम सुआ गीत की अच्छी गायक काम में आता है। आगे बनते हैं, हम पंथी के बारे में देखते हैं, पंथी नृत्य क्या है ना। तो पंथी सनातनी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास तथा उनके बताए सत्य की महिमा को रेखांकित करके गाया जाने वाला भाव प्रबल नृत्य है। पंथी इतनी तेजी से नाचा जाता है कि पंजाब के भांगड़ा के समान गिने चुने लोग ही उसकी तुलना में रखे जा सकते हैं। लठमार दास, पुराणिक लाल चेलक और अमृता बाई इस विधा के सशक्त कलाकार हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर पाँच है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखना है आपको, है ना। तो चलिए किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। चलिए तो कोरोना वायरस एक महामारी पर हम लोग निबंध लिखते हैं। सबसे पहले आपको ये ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना है, फिर प्रस्तावना डाल देंगे कि प्रस्तावना में आप डालेंगे कोरोना वायरस क्या होता है, कैसे आया, किस प्रकार से वह काम करता है, किस तरीके से प्रभावी है, यह उसके प्रस्तावना में हो जाएगा। आप लिख देंगे जैसे WHO ने बताया यह छोटा सा वायरस होता है, बहुत ही सोच में प्रभावी होता है, 900 गुना छोटा होता है किससे, बाल की तुलना में। तो इस प्रकार से इसका प्रस्तावना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे
तो लिखना पड़ेगा आपको कि कोरोना वायरस क्या होता है। पहले यह भी तो जानना होगा कि कोरोना वायरस होता क्या है। प्रस्तावना के बाद इस तरीके से आप इतना पूरा आंसर लिखेंगे, कोरोना वायरस क्या होता है यह मिल जाएगा आपको आंसर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तब कोरोना वायरस के बारे में लिखना है ना, तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए कि यह किस तरह का संक्रमण होता है, किस तरीके से फैलता है। साथ ही आप लिखेंगे कैसे समस्याएं उत्पन्न होता है, कैसे यह लोगों के बीच में कैसे फैल रहा है, किस तरीके से सावधानी रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे लोगों से डिस्टेंस बनाना चाहिए, कब तक ये लोगों में फैलता है, किस उम्र में लोगों में ज़्यादा प्रभावी, ये सब पूरा आप इसके बारे में लिखेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो पूरी तरीके से इस प्रकार से आप उसका पूरा आंसर लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में फिर आपका आ जाएगा क्या, उपसंहार आ जाएगा। जब उतना पूरा आंसर लिख लेंगे तो आपको उपसंहार लिखना होगा, मतलब कंक्लूजन लिखना होगा कि पूरे पढ़ने के बाद, लिखने के बाद आपको क्या समझ में आता है, उससे आपने क्या सीखा। तो आपको ये समझ में आता है कि लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस भी ऐसा ही खतरा बनकर सामने आया था, ठीक है। 2002-03 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो इस प्रकार से आप कुछ इसके बारे में सीखे क्या था, वह सार आप लिखेंगे यहाँ से, पूरा इस तरीके से आप उपसंहार लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट हो जाता है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, है ना। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जब से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।